विजिलेंस जांच होगी। बताया जा रहा है भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद के निलंबन किए गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचार पर सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का एक कड़ा और बड़ा एक्शन बताया जा रहा है, जहां पर भ्रष्टाचार पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा भी। इसके साथ प्रयागराज के निलंबित एसएसपी के खिलाफ विजिलेंस जांच की बात कही गई है। महोबा के भी निलंबित एसपी के खिलाफ अब जांच होगी, कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद निलंबित वो किए गए थे, जिससे साफ समझ जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का एक्शन लगातार बैक टू बैक जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री का एक बड़ा एक्शन, प्रयागराज के निलंबित एसएसपी के खिलाफ की विजिलेंस जांच बिठाई गई है। महोबा के निलंबित एसपी के खिलाफ ही अब विजिलेंस की जांच होगी। अरविंद चतुर्वेदी संपादक हमारे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद जी, लगातार जो एक्शन लिए जा रहे इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यही कारण है कि इन दो अफसरों के खिलाफ जो है विजिलेंस जांच की सिफारिश की गई है। एसएसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित, उनके अलावा मणिलाल पाटीदार के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री ने उनकी संपत्ति जांच के भी आदेश दे दिए हैं। जो निश्चित रूप से जो दूसरे अफसर ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए सबक होगा, और मैं समझता हूँ कि ये भी समझने की बात है कि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ऐसा अफसर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार करता है, और शायद यही कारण है कि जो है आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संपादक हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी के साथ। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बर्दाश्त